दोस्तों आपका भी चैनल मोनेटाइज हो चुका है या फिर नहीं हो चुका, और आप लोग ये जानना चाहते हो कि आखिर एक यूट्यूब चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो के अंदर एड कैसे लगाई जाती है, यानी कि जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो, लाइक जैसे आपने मेरी इस वीडियो को प्ले किया है, तो उससे पहले एक वीडियो पर हो सकता है एड आई हो, ठीक है, 90% चांस है कि एड आई होगी, ठीक है। अगर एड आई है तो आप भी जानना चाहते हो कि ये जो एड है वो कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर ये पूरी वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी आपको ये चीज़ आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि आपका भी चैनल कभी ना कभी मोनेटाइज होगा या फिर मोनेटाइज है तो आप तभी इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो रीजन है जो आप इस वीडियो को देख रहे हो। अब कुछ लोग ये भी ज्ञान देंगे कि भाई ये कौन नहीं जानता, ये तो बेसिक चीज़ है, हर कोई जानता जो YouTube पर काम करता है कि YouTube वीडियो पर ऐड कैसे लगाई जाती है। लेकिन भाई आप जो वीडियो देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं वीडियो पर ऐड लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर आपको लगाना नहीं आता है इसीलिए तो आप देख रहे हो। लेकिन वो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ज्ञान देंगे, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है उनसे, आप अपनी इंफॉर्मेशन लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो ज्ञान देते हैं वो जीवन भर ज्ञान ही देते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे के होने के बाद हम अपने चैनल को बेचते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, और उसके बाद हमारा चैनल हो जाता है मोनेटाइज, ठीक, मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद हमें क्या करना होता है, जिसके बाद हमारी यूट्यूब वीडियो पर ऐड आती है और जिसके बाद हमारा रेवेन्यू बनता है, जिससे यानी कि हमें पैसा मिलता है, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा जो है यहाँ पर वो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने अभी ये वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, तो इसी वीडियो का एग्जांपल हम आपको देके समझा देते हैं जस्ट। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ओपन होने का दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर आना है, ये आपको नीचे में लिखा हुआ मिलता है, ये मोर ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर हमें आना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे के सारे टैग्स वगैरह जो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप भी यहाँ से टैग वगैरह चुराना चाहो तो चुरा सकते हो, ठीक है। टैग कैसे चुराने होते हैं उस चीज़ के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो मैं ले आऊँगा, देख लेना, ठीक है। अब ऐड कैसे लगाना है दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक ये मोनेटाइजेशन का सेक्शन मिल जाता है, ठीक है। अभी जब मोनेटाइजेशन का सेक्शन मिल जाता है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मोनेटाइजेशन दिखेगा, जिसमें लिखा हुआ मिलेगा कि मोनेटाइजेशन जो है वो आपका ऑफ, ठीक है। अब ये मोनेटाइजेशन ऑफ लिखा मिलेगा तो बहुत सारे लोग अभी भी टेंशन में हो जाते हैं, अरे मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया क्या, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब हमें ऐड कैसे आनी है, देखिए हम यहाँ पर सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑन का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको तीन ऐड दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक डिस्प्ले ऐड, दूसरा स्किपेबल ऐड, तीसरा नॉन स्किपेबल ऐड। लेकिन अभी से पहले यहाँ पर और ऐड हुआ करती थी जिसका नाम था एक स्पॉन्सर कार्ड ऐड, ठीक है, जो कि इसके नीचे आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब उसको यूट्यूब ने हटा दिया है। वो क्यों हटा दिया है आई डोंट नो, बट अब वो ऐड नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर सिर्फ आप तीन ऐड आपको लगाने को मिलती है, जिसमें एक तो मैंडेटरी है जो आप हटा नहीं सकते, डिस्प्ले ऐड, जैसे आप वीडियो प्ले करते हो तो वो आपको ऐड आएगी आएगी, ठीक है। दूसरी स्किपेबल ऐड एंड नॉन स्किपेबल ऐड। स्किपेबल ऐड क्या होती है, जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो वहाँ पर 5 सेकेंड बाद जो स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है उसको बोलते हैं स्किपेबल ऐड, ठीक है। तो अगर आप उसको इनेबल रखना चाहते हो तो ही टिक करना, और जो नॉन स्किपेबल ऐड होती है, जो ऐड आ जाती है जब तक वो ऐड खत्म नहीं होती तब तक आपकी वीडियो प्ले नहीं होती, वो होती है नॉन स्किपेबल ऐड, ठीक। तो मैंने यहाँ पर दोनों इनेबल कर रखी हैं, क्यों, क्योंकि भाई अगर 5 सेकंड का ऑप्शन आ जाए तो आप स्किप करके जल्दी वीडियो देख लो, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग करते क्या है, स्किपेबल ऐड को बंद कर देते हैं, जिससे कि क्या है पूरी ऐड चलेगी तो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो भाई अपना ऐसा कुछ नहीं है, पैसा भले कम मिले, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जानी चाहिए, इसलिए मैं ऑन रखता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है तीन ये ना मिल रहे हों, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये मिलते हैं 8 मिनट से लंबी वीडियो पर, ठीक है। जो 8 मिनट से बड़ी वीडियो होती हैं उनके उनकी जब 8 मिनट से बड़ी वीडियो होते हैं तो उन पर ये लोकेशन ऑफ वीडियोस ऐड आपको लगाने को मिल जाती हैं, ठीक है। उससे पहले आपको ये, अगर आपकी वीडियो 7 मिनट 59 सेकेंड की भी है तब भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये इन ऑप्शन का काम क्या है उस चीज़ को भी बता देते हैं दोस्तों। ये जो ऑप्शन है ये इसलिए है ताकि जो आपकी ये जो वीडियो है इसके बीच में भी आप ऐड लगा सको। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से बड़ी है तो आप वीडियो के बीच में भी ऐड लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर जो मेरी वीडियो के बीच में ऐड लगे हुए हैं वो कब कब लगे हैं, 1:57 पर,
5:39 पर एंड 9:33 पर, ठीक है। यानी कि आप जब देखते हो ना कभी कभी कोई वीडियो आप जब देखते रहते हो काफी टाइम तक तो बीच में फिर से ऐड आ जाती है, तो उसी का काम होता है ये ड्यूरिंग मिड रोल एड्स, ठीक। अब ये ड्यूरिंग मिड रोल एड्स आप अगर लगाना चाहो तो ही लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो इसको भी आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ड्यूरिंग मिड रोल एल, बाकी आफ्टर वीडियो और बिफोर वीडियो वो तो आते ही हैं, पहले वीडियो के और आखिरी वीडियो के एड वो तो आते ही आते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन मिले उन सारे ऐड को आप एक्टिव रखो, ठीक है। और बस यही तरीका है, आपको मोनेटाइजेशन ऑफ दिखाई देता है और मोनेटाइजेशन जैसे ही आप ऑन करते हो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जो ऐड है ये लग जाती हैं, ठीक है। सिंपल सा और कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका है। इस तरीके से आप जो ऐड लगा के और बस यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर दोगे तो आपकी यूट्यूब वीडियो पर ऐड लग जाएगी बहुत आसानी से, ठीक। सो आई होप, आशा करता हूँ आप सीख गए होंगे कि आप यूट्यूब वीडियो पर ऐड कैसे लगा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो। आई नो, मैं भी जानता हूँ कि बहुत इंफॉर्मेशन छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।